हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। स्टूडेंट्स, मैं हूं मुनेश कुमारी और सी सेट पेपर 2 की T5 सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं तो एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चंस आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर से आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग तो पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपके पास में क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ persons given है लाइक ए बी सी डी और आपको उसकी ऑर्डरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट वेट। इस तरह से उनका ऑर्डर करना है कि भाई इनके अंदर से किसका ग्रेटर है और किसका लेसर है। लाइक ये है, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसे भी उसको आपकी कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? और इसके ऊपर बेस्ड ऐसे भी होता है कि कई बार पजल के तौर पे आपकी ऑर्डरिंग आ जाती है और उसके ऊपर आपके 2 to 3 क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो और अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंकिंग में क्या होता है, लाइक एक पर्सन है राम, आपका वो 15th पोजिशन में है एक रो के अंदर, ठीक है, लेफ्ट से। तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि हाँ जी, रो के अंदर टोटल 30 स्टूडेंट्स है और जो राम है वो लेफ्ट से 50th पोजिशन पे है, तो बताइए कि राइट से उसकी पोजिशन क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके हाँ जी रैंकिंग के अंदर आ जाते हैं। तो ऑर्डर और रैंकिंग आई होप क्लियर है। तो चलो कर लेते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या कह रहा है, जो राम है 15th पोजिशन पे है लेफ्ट से, तो बताइए राइट से कौन सी पोजिशन पे होगा इफ देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द रो। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन फाइंड करने हैं आपने तो आपने क्या करना है, 30 के अंदर से आप 50 को माइनस करोगे तो आपके पास में कितनी वैल्यू आ गई, 15 आ गए, 15 माइनस करके, ठीक है। बट जब पोजीशन की बात कर रहा है, उसने कहा है कि एट विच पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड, तो हमेशा क्या करते हैं उसके अंदर 1 ऐड करते हैं, तो वो कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा राइट साइड से, 16th पोजीशन पे हो जाएगा। अगर वो लेफ्ट से 15th पोजीशन पे है तो राइट से कौन सी पोजीशन पे हो गया, हाँ जी 16th पोजीशन पे इफ देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द रो। तो ये आपकी क्या होगी बच्चे, रैंकिंग हो गई है। क्लियर है? हाँ जी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए, जो कि 2014 के अंदर आया हुआ था। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए इज टॉलर देन बी, सी इज टॉलर देन ए, डी इज टॉलर देन सी, ई इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल। मींस कुछ कंडीशंस आपके पास में गिवन है, आगे क्वेश्चन में दिया इफ दे आर मेड टू सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट हु विल ऑक्यूपाई द मिड पोजिशन। तो इनकी हाइट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इनको इनका सिटिंग अरेंजमेंट तैयार करना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि ए इज टॉलर देन बी एंड सी इज टॉलर देन ए। सी इज, जब हमने कहा है कि ए इज टॉलर देन बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पे सी इज टॉलर देन, दैट मींस कि ए आपका किसमें आएगा, राइट साइड में आएगा जैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा सी इज टॉलर देन ए। उसके बाद में क्या है, डी इज टॉलर देन सी, तो जो डी है दिस इज टॉलर देन सी। उसके बाद में ई इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ई जो है वो सबसे बड़ा है हाइट वाइज, तो यहाँ पे सॉरी क्या है, ई जो है वो क्या कह रहा है, सबसे बड़ा है। डी गलती से लिखा गया, अभी इसको करते हैं ई, ये यहाँ पे क्या आएगा, ई आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। तो जो ई है क्या कह रहा है कि जो ई है दैट इज टॉलेस्ट। तो ये आपका अरेंजमेंट तैयार हो गया है। अब क्वेश्चन क्या है कि मिड पोजीशन पे कौन है, तो मिड पोजीशन पे कौन है, देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कौन है, सी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन सी, सी इज एट द मिड पोजीशन। क्लियर है? हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सी सेट 2015 के अंदर आया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द 2 आइटम्स दैट फॉलोज। तो यहाँ पे आपके पास में ये आपकी स्टेटमेंट दी हुई है और स्टेटमेंट के बेस पे आपको 2 क्वेश्चंस को आंसर देना है। दैट मींस कि आपके एक स्टेटमेंट पे बेस 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपके 5 नंबर्स का हो गया सीधा सीधा। चलो जी करते हैं सोल्व। क्या है, ए बी सी डी ई एफ आर कजन्स। ए बी सी डी ई एफ क्या है, कजन्स है। नो 2 कजन्स आर ऑफ सेम एज और किन्हीं भी 2 कजन्स की एज सेम नहीं है, बट ऑल है बर्थडेज ऑन द सेम डे ऑफ द सेम मंथ। सेम डे ऑफ द सेम मंथ पे उनका बर्थडे है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए एक का बर्थडे आज होगी जैसे कि अप्रैल, तो कह रहा है कि एक जो कजन है उसका बर्थडे 4th अप्रैल को है, तो जो दूसरा है उसका भी 4th अप्रैल को ही बर्थडे होगा, ये कह रहा है। क्लियर? तो
एटलीस्ट जो दो कजन्स हैं, दो पर्सन हैं, सो उन दोनों का जो एज डिफरेंस है मिनिमम 1 ईयर तो है ही है, ये कह रहे हैं, क्लियर है? हाँ जी, तो अब आगे रिमूव करते, कहते हैं यंगेस्ट इज 17 ईयर्स ओल्ड एंड द ओल्डेस्ट इज, ओल्डेस्ट ई इज, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को आपने ध्यान से रीड करना, कह रहा है ई इज 22 ईयर्स ओल्ड, दैट मीन्स कि जो ई है वो आपका 22 ईयर्स का है, क्लियर? और देखिए टोटल आपके पास में 6 पर्सन है, तो ये 6 जो है वो आपके 5 इसके बाद में आ गए, क्लियर? हाँ जी, तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन में है कि जो यंगेस्ट इज 17 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे जो आएगा वो 17 ईयर्स का है। कह रहा है एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी, जो एफ है वो कहीं ना कहीं बी और डी के बीच में है, जो एफ है वो कहीं ना कहीं बी और डी के बीच में है। अब ये हमारा कंफर्म नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है कि एफ ऐसे हो, बट ये भी जरूरी नहीं है कि इनके बीच में कोई और पर्सन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है बी और यहाँ पे कोई और हो, उसके बाद एफ है और उसके बाद में डी है, उसने सिर्फ ये कहा है कि समवेयर बिटवीन बी एंड डी, और बी और डी के बीच में कहीं पे है, क्लियर? अब देखिए आगे है ए इज ओल्डर देन बी, जो ए है, हाँ जी यहाँ पे जो ए है ए इज ओल्डर देन बी, सी इज ओल्डर देन डी, जो सी है सी इज ओल्डर देन डी। अब आगे क्या कहा है उसने, ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, दैट मीन्स कि यहां से जो सी है, ठीक है, और ए है, तो सी से जो ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, सॉरी ये ऐसे नहीं है, ये क्या कह रहा है ए इज 1 ईयर ओल्डर, मीन्स जो ए है दैट इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, मीन्स ये जो है ये आपका साथ साथ ही है, ए और सी ये इकट्ठे आएंगे क्योंकि उसने 1 ईयर का है, ठीक है? हाँ जी, तो अब आगे देखिए, अब यहां से हमें ये पता चल गया कि जो ए है ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, जब सी जो है वो क्या है ग्रेटर देन डी, दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन डी, क्लियर? हाँ जी, जब सी जो डी है डी से ज्यादा है तो ए भी इससे भी ज्यादा होगा, क्लियर है? तो यहां से हमारे पास में क्या सीक्वेंस बन के आ गई है, हाँ जी, तो यहां से हमारे पास में सीक्वेंस बन के आ गई है ए सी, ये तो कट्ठे आएंगे ही आएंगे, ठीक है? उसके बाद में इसने क्या कहा है कि जो डी है डी इससे बड़ा है, अब हम यहाँ पे डी रख भी सकते हैं, डी और भी आगे कहीं पे आ सकता है, कंफर्म नहीं है, बट उसने साथ में, अब देखो हमें 5 लोगों को एडजस्ट करना है तो ये 2 तो आपके हो गए, ठीक है, और उसने कहा जो सी है सी इज ग्रेटर देन डी, तो मीन्स कि आएंगे तो यहीं पे ये 3 लोग यहीं पे आएंगे, तो इन तीनों की पोजीशन को देखो, यहाँ पे क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है बी एफ डी, और क्या हो सकती है डी एफ बी भी हो सकती है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या सीक्वेंस बन के आ रही है, तो एक अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगी ए ए बी, हाँ जी देखिए क्या आ रहा है, ए ए के बाद में हमने यहाँ पे देखा है कि ए और सी इकट्ठे आएंगे, तो ए के बाद में है सी, क्लियर? उसके बाद में आ रहा है आपके पास में बी एफ, बी एफ एंड डी, जो ई है वो आपका क्या है सबसे बड़ा है, ओल्डेस्ट है, क्लियर? एक तो आपके पास में ये सीक्वेंस बन रही है, बट यहाँ पे बी और डी का ऑर्डर हमें नहीं पता, तो यहाँ पे दूसरा बच्चे ये भी तो बन सकता है, देखिए क्या हो सकता है ई ए सी और डी एफ बी, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है, 2 पॉसिबिलिटीज आपकी यहां से निकल के आ रही है, क्योंकि उसने कहा है कि एफ इज समवेयर बिटवीन डी एंड बी, क्लियर? हाँ जी, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, कह रहा है कि क्या पॉसिबल है, ऐसे भी हमारे 2 केसेस बन रहे हैं, तो अब देखते हैं, कहता है डी इज 20 ईयर्स ओल्ड, जो डी है वो 20 ईयर्स ओल्ड है, ये पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हम दोनों के अंदर चेक करते हैं। अब देखिए मैंने बताया था कि मिनिमम 1 ईयर का डिफरेंस तो है ही है सभी के बीच में, तो अगर हम 1 ईयर का डिफरेंस लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हो सकता है 22, मैक्सिमम लेके चलेंगे 22, 22 के बाद में पहले केस में देखिए 22, 21, 20, 19, 19, 18, क्लियर है, और ये आपके पास में कितना हो गया 17,
तो यहाँ पे इससे तो किसी भी हाल में नहीं बन रहा है, इसमें तो वैसे ही कह रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, डी है। तो ये पहले वाली जो है वो पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी। अब दूसरे में कह रहा है एफ इज 18 इयर्स ओल्ड, एफ जो है वो 18 इयर्स का हो सकता है। तो देखिए यहां से अगर हम देखते हैं कि यहां से देखो, इसमें भी एफ यहाँ पे आ रहा है आपका और यहाँ पे भी एफ आ रहा है। अगर ये 17 इयर्स का है, ठीक है, हाँ जी, जो बी है, ये चाहे बी है चाहे आपका डी है, दोनों में से कोई भी वर्जी यहाँ पे है, तो बट डी एफ तो सेम ही पोजिशन पे है दोनों केसेस में, तो यहाँ से उसकी एज कितनी बन के आ रही है, 18 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, बी, बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर, हाँ जी, बाकियों को तो रीड करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी अगर आपको देखना चाहो तो एक बार देखो, हम 19 हो सकती है, 19 नहीं हो सकती, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 21 के बाद बच्चे यहाँ पे कितनी आएगी, 21 के बाद 20, उसके बाद 19, डी जो है डी की 19 हो सकती है, बट एफ की 19 नहीं हो सकती किसी भी हाल में, ना ही 20 हो सकती है। क्लियर, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है रीड कर लेते हैं, क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉजिकली पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ऑल सिक्स कजन्स इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग एज। तो अगर इंक्रीजिंग एज में हम देखते हैं तो हमारे कितने ऑर्डर बने हैं, टू ऑर्डर्स बने हैं, दो पॉसिबल लॉजिकल अरेंजमेंट्स आपकी बन रही हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि 2017 में आया था। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, 15 स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन ए क्लास ऑफ 52। एक क्लास है उसके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 52 स्टूडेंट्स हैं, और इसके अंदर से 15 फेल हो गए हैं, ठीक है, हाँ जी। आगे क्या है, आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट ए मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन विच द पोजीशन ऑफ रमेश इज 22nd फ्रॉम द टॉप। पहले तो ये कह रहा है कि एक लिस्ट तैयार की गई है किनकी, जो बच्चे पास हुए हैं, तो पास देखिए यहाँ से अपने 37 स्टूडेंट्स आपके पास हैं, और इससे लिस्ट तैयार की गई है, तो आपको ये देख के चलना है कि भाई हमारे टोटल एक तरह से 37 स्टूडेंट्स ही हैं लिस्ट के अंदर, क्लियर। तो यहाँ से जो रमेश है उसकी टॉप से 22nd पोजीशन है, ठीक है, टॉप से कौन सी पोजीशन है, 22nd पोजीशन है। तो क्या पूछ रहे हो, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम बॉटम, बॉटम से उसकी क्या पोजीशन होगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर अपोजिट साइड से पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, जो टोटल है, टोटल माइनस क्या करेंगे हम, जो भी पोजीशन आपके पास में टॉप से गिवन है, तो यहां से इसको आप माइनस कर रहे हो, तो बच्चे आपके पास में आ रहा है 15, और अगर पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 16, क्लियर। तो कौन सी पोजिशन पे हो गया, ये आपका बॉटम से 16th पोजिशन पे है, क्लियर, हाँ जी, तो आंसर हो जाएगा 16th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है इन ए टेस्ट रणधीर ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड देबू। जो रणबीर है कह रहा है कि इसके मार्क्स कुणाल और देबू के जितने भी टोटल मार्क्स है उनसे ज्यादा है, ठीक है जी। आगे क्या है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड शंकर, कुणाल एंड शंकर, ठीक है, तो इनसे क्या है, मोर देन दोज ऑफ रणबीर, रणधीर से ज्यादा है, क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है आपके पास में, सोनल ऑब्टेन मोर मार्क्स देन शंकर, जो सोनल है उसके मार्क्स शंकर से ज्यादा है, मोर मार्क्स देन शंकर, नेहा ऑब्टेन मोर मार्क्स देन रणधीर, नेहा के रणधीर से भी ज्यादा है, हु अमंगस्ट them obtain highest marks। तो देखिए यहाँ पे जो जो हमें कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे हमें conditions given है, तो इन condition के बेस पे देखिए क्या कह रहा है कि रणधीर के हाइएस्ट मार्क्स हैं, तो देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है रणधीर के हाइएस्ट मार्क्स हैं, नहीं है, यहाँ से नेहा के ज्यादा हैं, तो नहीं हो सकते। वो कह रहा है कि नेहा के ज्यादा हैं, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नेहा है, नेहा का भी हमें कन्फर्म नहीं है, क्या पता इनमें से किसी और के नेहा से ज्यादा हो, ठीक है। इसी तरह से हम सोनल का भी नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो जो हमारे पास में जो डाटा गिवन है उससे हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो यहाँ पे आपके पास में डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, डाटा इज इनएडिक्वेट, क्लियर है। तो
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि सीसेट 2019 के अंदर आया था। तो क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग थ्री आइटम्स। तो यहाँ पे आपके पास में तीन आइटम्स की डायरेक्शंस गिवन है, मींस कि एक जो स्टेटमेंट है उसी के ऊपर आपको थ्री क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिक्स स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ अपियर्ड इन सेवरल टेस्ट्स, आइदर सी और एफ स्कोर द हाईएस्ट। या तो सी के हाईएस्ट मार्क्स हैं या तो एफ के हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो यहाँ पे दो केसेस बताए हैं, पहले केस में कह रहा है कि सी के हाईएस्ट मार्क्स हैं और जो दूसरा केस है उसमें क्या कह रहा है कि एफ के हाईएस्ट मार्क्स हैं। क्लियर, तो हम दोनों केसेस साथ में लेके चलते हैं। कोई भी पजल भी अगर आप करते हो तो जो भी केसेस बनते हैं केसेस को साथ लेते हुए चलो, तो उससे आपका ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, व्हेन एवर सी स्कोर हाईएस्ट देन ई स्कोर द लिस्ट। अगर सी के हाईएस्ट हैं तो ई के नंबर क्या है, लिस्ट है। क्लियर, एंड व्हेन एवर एफ स्कोर हाईएस्ट देन बी स्कोर लिस्ट, तो बी का जो है क्या है, लिस्ट है। ये आपके पास में गिवन है। अब हमारे पास में टोटल सिक्स स्टूडेंट्स हैं, तो सिक्स स्टूडेंट्स के अंदर से मिडल में कितने आ जाएंगे आपके, फोर स्टूडेंट्स आ जाएंगे। क्लियर, हाँ जी। तो अब आगे रीड कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहते हैं डी स्कोर हायर देन ए बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो जो डी है उसका स्कोर हायर है किससे, आपका ए से। डी का स्कोर जो है वो हायर है ए से, एंड दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर मीन्स ये दोनों साथ ही आएंगे आपके। ठीक है, उसके साथ में कह रहा है ए स्कोर हायर देन बी, ए का स्कोर बी से हायर है। सी स्कोर हायर देन ए, सी का स्कोर ए से हायर है। तो यहाँ पे सी आपका कहीं पे इधर आएगा। ठीक है, ये तो दोनों पास में है आपके, एक तरह से इन तीनों की पोजीशन तो आपकी आ गई है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों तो आपके साथ ही आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सी है आपका इधर कहीं भी हो सकता है। तो अब देखिए आगे हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, फर्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं और जो भी यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी हुई है उनको अप्लाई करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट केस है इसके अंदर देखिए, अगर सी इज हायर देन डी ए बी, तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ बच्चे डी ए एंड बी, तो यहाँ पे आपके पास में कौन आ जाएगा, कौन रह गया यहाँ पे आपके पास में, एफ रह गया है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे सी है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाए, डी ए बी, ई तो है ही यहाँ पे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर, हाँ जी। अब दूसरे केस की तरफ हम मूव करते हैं, दूसरे के अंदर अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ये सी अगर आपका यहाँ पे आता है सी, ठीक है, और आपके पास में डी ए बी तो इकट्ठे ही हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे डी ए बी। यहाँ पे आपके पास में जो है फोर पर्सन्स बीच में होंगे, तो ये हो गया आपके पास में एफ, और यहाँ पे आ गया आपके पास में डी ए एंड बी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में डी ए बी। अब जो सी है अगर हमारा यहाँ पे है तो ई आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, हाँ जी। बट बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है कि ई आपका यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अगर सी है तो अगर ये आपका ऐसे ही हो, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज आपको माइंड में लेके चलनी पड़ेंगी। तो बट इसने जो दो पॉइंट्स बताए हैं एफ और बी को फिक्स किया हुआ है, उनको नहीं आप मूव कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास में ई आ जाएगा, ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है, क्या कह रहा है। इफ एफ स्टैंड्स सेकंड इन द रैंकिंग, अगर एफ की रैंकिंग क्या है सेकंड, देन द पोजीशन ऑफ बी इज, तो बी की पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ से देखिए ये वाली जो हमारी कंडीशन बनी थी, तो यहाँ पे एफ की जो रैंकिंग है वो क्या है, सेकेंड है। तो यहाँ से देखिए बी की पोजिशन क्या हो जाएगी, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बी की पोजिशन क्या बन रही है आपकी बेटा, फिफ्थ बन रही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फिफ्थ। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ बी स्कोर द लिस्ट द रैंक ऑफ सी विल बी, अगर बी का स्कोर लिस्ट है तो सी का रैंक क्या होगा। तो यहाँ से हमने देखा था कि बी का अगर लिस्ट है, यहाँ से बी का लिस्ट मतलब कि इन दोनों केसेस में लिस्ट बन रहा है, तो सी का स्कोर यहाँ से आपका सेकेंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। सी का सेकंड और थर्ड दोनों में से कोई भी स्कोर हो सकता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये यही कह रही है कि सेकंड और थर्ड, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी पे क्या क्वेश्चन है, कहता है इफ ई रैंक्ड थर्ड, अगर ई का रैंक थर्ड है देन विच
वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर ई का रैंक थर्ड है तो, अब ई का रैंक अगर थर्ड है तो हम यहाँ से देखते हैं कि अगर ई का रैंक थर्ड है तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ई का रैंक थर्ड किस में बन रहा है, इस वाले केस के अंदर आपका ई का रैंक थर्ड बन रहा है, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर क्या है, एफ सी ई डी ए बी, एफ सी ई कौन सा बन रहा है अपने पास में, रैंक जो अपना ऑर्डर तैयार हुआ है एफ सी ई डी ए बी, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, क्या था हमारा एफ सी ई डी ए एंड बी, ये हमने तैयार किया था अपना ऑर्डर। तो अब इस पे देखिए, इफ ई रैंक्ड द थर्ड, ई गेट मोर मार्क्स देन सी, तो देखिए ई के मार्क्स क्या हैं, हाँ जी ई के मार्क्स क्या है, कम है, क्योंकि जो हमने ऑर्डर बनाया है ये डिसेंडिंग ऑर्डर तैयार किया है बच्चे, ठीक है। तो पहली जो आपकी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गई है, कह रहा सी गेट्स मोर मार्क देन ई, सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्लियर। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो बाकियों को तो वैसे रीड करने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं। ए इज रैंक रैंक्ड फोर्थ, ए का रैंक क्या है, फिफ्थ आ रहा है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। डी रैंक फिफ्थ, तो ये भी आपके फिफ्थ पे ए आ रहा है, तो ये भी आपके पास में रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है, कोई मुश्किल नहीं है। जो हमारे जो स्टेटमेंट्स हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं उन्हीं के बेस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं कि ये उससे ज़्यादा बड़ा है छोटा है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड को साथ में लेके चलते हैं तो आप इजिली इसको कर लोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना रजिस्टर नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में अंदर लिंक अवेलेबल है, आप अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है बड़ी, हम क्या कर रहे हैं कि देखो एवरी ईयर से आपके क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से फाइंड आउट करके आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ जी हमें सीरियल वाइज क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उनके अच्छे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो चैनल तो आपके इसको वीडियो को लाइक करें और अपने जो स्टूडेंट्स आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको क्या करेंगे, शेयर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।